आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम बीजेपी की जो एक महिला विरोधी मानसिकता है वो आपके माध्यम से हम बीजेपी के सीनियर लीडर्स को और दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले की एक घटना है जिसकी चर्चा हम नहीं, जिसकी चर्चा अखबारों में हुई है, जिसके बारे में अखबारों में लिखा हुआ है कि भाजपा उपाध्यक्ष ने की पार्टी की पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष से बदसलूकी। भाजपा की जो पूर्व महिला अध्यक्ष पूनम पराशर जी हैं, उनके साथ उन्हीं के यानी भाजपा के ही दिल्ली प्रदेश के जो उपाध्यक्ष हैं राजन तिवारी जी ने पार्टी कार्यालय के अंदर ही बदसलूकी की है, जिसके बारे में न्यूज़पेपर की हेडिंग्स में आया है। न्यूज़पेपर और एक नहीं, तीन चार ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर में इस घटना का चर्चा किया गया है। पर भाजपा ने अभी तक, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि भाजपा में अंदरूनी, भाजपा की इंटरनली महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो। पहले भी, अभी लगभग कुछ महीने पहले की बात है कि उन्हीं के कार्यालय के बाहर ही उनके एक महिला पदाधिकारी के ऊपर हाथ उठाया गया था। तो भाजपा में ऐसा समय समय पर भाजपा के संगठन में देखने को मिलता है कि उनकी जो महिला पदाधिकारी हैं उनके अपने संगठन में ही उनका सम्मान नहीं होता है। तो जब भाजपा के अपने संगठन में ही महिलाओं का सम्मान नहीं है तो हम भाजपा से कैसे उम्मीद कर लें कि वो दिल्ली की या देश की आम महिलाओं का सम्मान का ध्यान रखेंगे। तो आज सबसे बड़ा प्रश्न जो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम यहां उठाना चाहते हैं वो ये है कि ये जो घटना है ये लगभग 4-5 दिन पुरानी है। तो अभी तक जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है आदेश गुप्ता जी, उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी के ऊपर क्या एक्शन लिया है, और जो इनकी महिला नेत्री हैं, जो महिला पूर्व अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश की, उन्होंने जो आरोप लगाए थे उस पर अभी तक भाजपा ने क्या कार्रवाई की है? और अगर भाजपा इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, भाजपा अगर अपने अंदर ही महिला सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकती है तो दिल्ली की जनता के सामने आज की बात हम कहें, आज के 6 महीने पहले की, 1 साल पहले की, भाजपा में समय समय पर ये देखा गया है कि उनके अंदर ही महिलाओं का सम्मान नहीं है। तो आज दिल्ली की जनता, दिल्ली की आम महिलाओं के ऊपर उनके माध्यम से प्रश्न चिन्ह तो है कि जो पार्टी दिल्ली में, जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, अगर वो अपनी पार्टी की लीडरशिप, जो महिला लीडर्स हैं, अगर उनके उनके फेवर में ही अगर कोई एक्शन नहीं ले पाती है तो फिर वो दिल्ली की आम महिलाओं की सुरक्षा क्या करेंगे? भाजपा के अंदर भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता समय समय पर दिखती आई है और हम आम आदमी पार्टी और दिल्ली की जनता होने के नाते इसका घोर खंडन करते हैं और इसके ऊपर एक जांच और एक एक्शन की डिमांड करते हैं। थैंक यू। ये 15 तारीख का, 15 तारीख का मामला है, 15 तारीख के न्यूज़पेपर में है ये। हाँ,